गाइस, सो आई रियली होप कि पूरे जोश के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप लोगों ने टारगेट 2 भी कंप्लीट कर लिया होगा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें टारगेट 3 के लिए कौन से चैप्टर्स करने हैं। उससे पहले बहुत ही सारे बच्चों का मेरे पास ये डाउट आ जाता है, कमेंट्स में लिख देते हैं कि कैसे है, कौन से टारगेट्स हैं, हमारा टारगेट छूट गया है तो हम क्या करें। तो मेरे को आपसे बस एक बात कहनी है यार, तुम्हें मैं चाहती हूँ तुम्हें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना, रादर दैन कि तुम्हें कुछ कह दूं कि ये कर लो वो कर लो। मैं तुम्हें पूरी एक डायरेक्शन यहां दे रही हूँ, सारे टारगेट्स। अगर तुम 12th स्टडिंग हो और 11th स्टडिंग हो तो ये टारगेट तुम्हारे लिए है। अगर तुम एक ड्रॉपर हो या 12th के साथ तुम 11th भी रिवाइज पूरी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक अलग वीडियो है जो हर ट्यूसडे को मैं पोस्ट करती हूँ। तो आज हमारा टारगेट 3 है, यानी कि मैं अभी तक 2 टारगेट्स आपको करवा चुकी हूँ और उनके दोनों टारगेट्स के मैंने संडे को टेस्ट भी लिए। तो अगर आपको लगता है कि हमें ये टारगेट्स फॉलो करने चाहिए तो मैं दोनों, चाहे आप ड्रॉपर हो या आप 11th या 12th के हो, तो मैं दोनों टारगेट्स का लिंक नीचे डाल दूंगी। तो पहले आप वो मास्टर प्लान वाली वीडियोस देख लेना, उसके बाद अब जैसे कुछ लोग मुझे कहेंगे कि हमारा एक टारगेट मिस हो गया है, हम टारगेट 2 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टारगेट 3 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करें। तो आप क्या करोगे, जो आपके पुराने टारगेट्स हो चुके हैं उन पे काम मत करना अभी, आप यही वाले टारगेट जो मैं आपको आज दे रही हूं उससे स्टार्ट कर लेना, और जो टारगेट्स का आपका बैकलॉग रह गया है वो हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग एक सिंक में रहो। अगर आप पुराने स्टार्ट करोगे फिर आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपका टारगेट कोई पीछे, आप नए से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप अभी वाले टारगेट से शुरू करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट जो लोगों का आता है वो ये है कि हम टारगेट पूरे ही नहीं कर पा रहे एक हफ्ते में, तो हम क्या करें। यार एक ही बात कहूंगी कि मैं या कोई भी और आपको सिर्फ टारगेट दे सकता है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन उस पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो आपको अपने अंदर से वो आग लानी पड़ेगी कि अगर मुझे बोला गया कि मुझे संडे को टेस्ट देना है और मेरे पास एक हफ्ता है एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना ही है। देखो मैं तुम्हें हमेशा ही कहती हूँ कि हर टारगेट वाली वीडियो पे तुम अपना ये तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि अब जो अगली टारगेट वाली वीडियो आएगी उसके नीचे मुझे कमेंट करना है, यस दीदी टारगेट कंप्लीटेड, ये तुम्हें कमेंट करना है और तुम्हें हर टेस्ट को फॉलो करना है। देखो मैंने पहले भी एक बार ये बात बोली थी कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह जाते हैं उनके साथ क्या होता है फायदा कि उनको एक प्रॉपर शेड्यूल मिला रहता है और उनको होता है कि देना ही पड़ेगा टेस्ट, लेकिन वो सब चीजें भी मैं तुम्हें याद दे रही हूँ। तो तुम्हारा काम है कि उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना, और यार जो टारगेट दिए जा रहे हैं प्लीज उसको सिंसियरली करो। मैं तुम्हें ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर तुमने टारगेट्स बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया ना, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा नीट में। सो एनीवेज अब मैं आपको बताऊंगी कि टारगेट 3 के कौन से चैप्टर्स आपको इस हफ्ते करने हैं। तो फिजिक्स में आप करोगे मोशन इन प्लेन, केमिस्ट्री में आपको करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और बायो में आपको 2 चैप्टर करने हैं, सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है वो करना है और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस हफ्ते के आपके ये 4 चैप्टर्स हैं। अगर मॉर्फोलॉजी में आपको लग रहा है कि मॉर्फोलॉजी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो उसका कुछ पार्ट आप आधा चैप्टर, जैसे अगर आप 12th ऑन गोइंग हो, 11th वालों के लिए नहीं है ये बात, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे 12th के साथ थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, तो मॉर्फोलॉजी का आधा थोड़ा सा पार्ट आप लास्ट का छोड़ के अगले वीक पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीजें आपको वैसी की वैसी ही चलानी पड़ेंगी। सो आई होप आप लोग उतनी ही मेहनत के साथ हर टारगेट को वैसे ही लोगे। मैं नहीं चाहती देखना कि जब टारगेट 1 पे इतने बच्चे थे तो टारगेट जब मैं 6th, 7th पे आऊं, 8th पे आऊं तो उसके बाद बहुत कम बच्चे बचे, जो कंसिस्टेंट बहुत कम बच्चे रहे, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूं आप सब कंसिस्टेंट रहो, तो कंसिस्टेंट रहना। टारगेट्स आपको दे दिए, अगले संडे आपका फिर से टेस्ट होगा, फिर से मैं नए टारगेट के साथ आऊंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत कंसिस्टेंट हो और पूरी मेहनत कर रहे हो। सो सी यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।